हेलो दोस्तों, क्या आपकी कोई कीमती या नॉर्मल चीज कभी खोई है और फिर उसे आप घंटों ढूंढते रहे फिर भी वो चीज आपको नहीं मिले? तो हो सकता है वो चीज सैकड़ों या हजारों सालों के बाद किसी को मिले और तब वो बेशकीमती हो जाएगी। ऐसा हम इंसानों के साथ सालों से होता आ रहा है। हमें कभी हजारों साल पुराने सिक्के मिल जाते हैं, तो कभी पुराने हथियार और डायनासोर की हड्डियां मिलती हैं। इन डिस्कवरीज की वजह से हम अपने इतिहास को और अच्छे से जान पाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी ही कुछ हाल ही में हुई डिस्कवरीज के बारे में बताऊंगा जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आइए जानते हैं हाल ही में ढूंढी गई अद्भुत चीजें। नंबर 10, लेक टिटिकाका एंडीज। साउथ अमेरिका की एंडीज माउंटेन्स के आसपास बहुत सी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हुई हैं और ऐसी ही एक खोज आर्कियोलॉजिस्ट के एक ग्रुप ने लेक टिटिकाका में की। लेक टिटिकाका के अंदर 16 फीट की गहराई में एक रीफ मिली जो पहले टिहुनाकू लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी। यहाँ पर डाइवर्स को बहुत से एंशियंट आर्टिफैक्ट्स मिले जैसे पत्थरों से बने जानवर। इसके अलावा यहाँ पर लामा जानवर की हड्डियां भी मिली। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हजारों साल पहले इस जगह पर बलि दी जाती होगी। टिहुनाको लोग अपने सन गॉड को खुश करने के लिए ऐसे अजीब काम करते रहे होंगे। यहाँ पर मिली सबसे अजीब चीजें मॉइस्चर शेल्स हैं। वो इसलिए अजीब हैं क्योंकि ये इस जगह पर नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर पाए जाते थे, यानी हजारों किलोमीटर दूर से इन्हें पानी के जहाज से मंगाया जाता था। नंबर 9, बौद्ध धर्म की किताबों के पन्ने। हर धर्म की पवित्र किताबों को प्रिजर्व करके रखा गया है और क्योंकि धर्मों का इतिहास काफी पुराना है, इसीलिए धार्मिक किताबें पढ़कर हम काफी पुराने जमाने की बातों को भी जान सकते हैं। ऐसी ही एक खोज अफगानिस्तान में हुई। यहाँ गंदम नाम की एक सूची मिली। यहाँ पर चाइना के लोग माइनिंग कर रहे थे तभी ये टेक्स्ट मिला। ये टेक्स्ट एक शक्य मुनि ने लिखे थे। इनमें 13 बुद्धा के बारे में लिखा गया है। इस स्क्रिप्ट के बहुत से पेजेस तो खत्म हो गए लेकिन सालों की मेहनत के बाद कुछ को बचाया जा सका है। इन संस्कृत में लिखे हुए पेजेस को पेड़ों की छाल पर लिखा गया था और ये पहाड़ों के पास मिले हैं। अब इन्हें प्रिजर्व कर लिया गया। नंबर 8, डायनासोर की हड्डियाँ। वैसे तो हम सालों से डायनासोर की हड्डियाँ ढूंढ रहे हैं लेकिन अब भी बहुत सी हड्डियाँ हमें मिलती रहती हैं। ऐसी एक थाई बोन जो 6.5 फीट लंबी थी फ्रांस में ढूंढी गई। अजीब बात यह है कि वहाँ पर केवल यही हड्डी मिली और डायनासोर की बॉडी के किसी और पार्ट की हड्डी वहाँ पर नहीं मिली। इसीलिए साइंटिस्ट एग्जैक्टली ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये किस डायनासोर की हड्डी हो सकती है। फिर भी अंदाजे के मुताबिक ये सौरापॉड की हड्डी है। ये सबसे बड़े डायनासोर होते थे, फिर भी ये शाकाहारी हुआ करते थे, यानी अगर ये होते तो इनसे हमें कोई खतरा नहीं होता। ये 60 फीट लंबे थे। ये हड्डी एक गाँव के नीचे दबी हुई थी। जिस जगह पर ये हड्डी मिली वहाँ पिछले 10 सालों से खुदाई का काम चल रहा था। नंबर 7, स्टोन ब्लेड। ये स्टोन ब्लेड स्लोवाकिया की एक गुफा में मिला है जिसे कावा केव कहा जाता है। आइस एज के दौर में शिकारी लोग इन्हें एक बड़े बड़े डंडे में लगाकर शिकार के लिए या फिर दुश्मनों से खुद को बचाने के लिए यूज करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि उन आदिमानवों ने कभी यहाँ पर शरण ली होगी। इसके अलावा गुफाओं में और भी खोजें हुई हैं जो मॉडर्न इंसानों की हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के टाइम के क्वाइंस भी इन गुफाओं में मिल चुके हैं, यानी जंग के टाइम सैनिक भी ऐसी गुफाओं में शरण लिया करते थे। नंबर 6, स्कूल स्टूडेंट्स। एक स्कूल स्टूडेंट की जिंदगी में सबसे मजेदार टाइम वो होता है जब वो स्कूल ट्रिप पर जाते हैं। स्कूल ट्रिप में स्टूडेंट्स इंजॉय करने के साथ साथ नई नई चीजें सीखते भी हैं। ऐसी ही एक ट्रिप पर चाइना के 4 स्टूडेंट गए हुए थे। ये स्टूडेंट्स चाइना के पिंगशेंग सिटी के आसपास के गांवों में टहल रहे थे तभी उन्हें कुछ अजीब पत्थर दिखाई दिए। ये पत्थर उन्हें काफी अजीब लगे तो इन स्टूडेंट्स ने सोचा कि इन्हें म्यूजियम में ले जाकर इनकी जांच करवाई जाए। म्यूजियम में जांच में पता चला कि ये पत्थरों का कलेक्शन डायनासोर के अंडे हैं। इन्हें डायनासोर ने जमीन में उस वक्त आधा दफन किया होगा। उन स्टूडेंट को तभी ये रियलाइज हो गया कि उनकी खोज काफी कमाल की है, लेकिन स्टूडेंट्स ने उन डायनासोर एग्स को म्यूजियम से वापस नहीं मांगा बल्कि म्यूजियम में ही छोड़ दिया ताकि उन पर और रिसर्च की जा सके। नंबर 5, डेनमार्क। डेनमार्क के कुछ आर्कियोलॉजिस्ट वाइकिंग वॉरियर्स के कब्रिस्तान में खोज कर रहे थे और तब वो चौंक गए जब उन्होंने एक कब्र खोली। उसमें उन्हें क्या मिला? आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक 10,000 साल पुरानी उस कब्र में उन्हें कोई वाइकिंग वॉरियर नहीं बल्कि एक औरत दफन मिली। डेनमार्क के एक आइलैंड पर बनी इस कब्र में ये एक लड़ाकू औरत थी, क्योंकि आइलैंड पर बनी सभी कब्रों में ये केवल इकलौती ऐसी कब्र थी जिसमें साथ में काफी बड़ी कुल्हाड़ी भी मिली थी। इतिहासकारों में अक्सर इस बात पर बहस होती थी कि उस समय की महिलाओं को जंग करने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी और उसी बहस को इस कब्र में हुई डिस्कवरी ने बदल दिया, क्योंकि इसमें मिली महिला के पास कुल्हाड़ी से पता चला कि उस समय की महिलाएं भी जंग में हिस्सा लिया करती थी। नंबर 4, जेरूसलम।
हर आर्कियोलॉजिस्ट इसी उम्मीद से खोज करके हथियार या बर्तनों को जमीन से निकालता है कि उसकी खोज एक नए इतिहास का पता लगाएगी। पर ऐसा सबके साथ नहीं होता। लेकिन जेरूसलम शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर गवर्नमेंट के एक प्रोजेक्ट के लिए खुदाई हो रही थी, तभी इस बेहद पुराने शहर के पुराने होने के कुछ और सबूत मिले। यहाँ 9000 साल पुराने स्टोन एज के टाइम के कुछ अवशेष मिले। उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को रोक दिया गया और इस जगह पर रिसर्च का काम आर्कियोलॉजिस्ट को दे दिया गया, ताकि और भी सबूतों को ढूंढा जा सके। इन मिले सबूतों से पता चला है कि हजारों साल पहले भी यहाँ लोग रहा करते थे। नंबर 3, क्रिश्चियन लेटर। ये लेटर लगभग सन 300 का है। उस वक्त इजिप्ट की जिस जगह पर रोमांस का कब्जा था, ये लेटर वहाँ के किसी क्रिश्चियन ने लिखा था और इसे अब तक का सबसे पुराना क्रिश्चियंस का लिखा हुआ लेटर माना जाता है। इस लेटर को लिखने वाले शख्स का नाम आरियाना है और उसने इसे अपने भाई को लिखा था। और इस लेटर में आरियाना ने अपने भाई को अपने पेरेंट्स की हेल्थ ठीक होने के बारे में बताया था। साथ ही ये भी लिखा था कि जब घर वो वापस आएगा तो फिश लिवर सॉस को अपने साथ लेकर आएगा। इसमें जो लास्ट में ब्लेसिंग लिखी थी वो बाइबल में लिखी होती है, और इसी से आर्कियोलॉजिस्ट ने ये अंदाजा लगाया कि ये किसी क्रिश्चियन के द्वारा लिखा गया लेटर है। नंबर 2, अमेजोन रेन फॉरेस्ट। अमेजोन रेन फॉरेस्ट के बारे में तो मैंने आपको कई वीडियोस में बताया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है और इसका ज्यादातर भाग अब भी एक्सप्लोर नहीं किया गया। इसीलिए अमेजोन के जंगल में अब भी बहुत सी चीजें डिस्कवर की जा सकती हैं, और इसीलिए साइंटिस्ट लगातार वहाँ पर रिसर्च भी कर रहे हैं। ऐसी एक डिस्कवरी कर रही अमेरिका और पेरू देश के साइंटिस्टों की एक टीम ने यहाँ पर दुनिया के सबसे छोटे मंकी की हड्डियों का ढांचा डिस्कवर किया। यहाँ पर उस मंकी का बेहद छोटा दांत मिला था। उस पर रिसर्च करके ये कंफर्म किया गया कि ये मंकी हैमस्टर से भी छोटा हुआ करता होगा। रिसर्चर्स की टीम को इस छोटे से मंकी के बारे में तब पता चला जब उन्होंने पेरू के दक्षिण में रियो आल्टो माद्रे दे डियोस रिवर के किनारे की लगभग 900 किलोग्राम मिट्टी को छान छान कर उस पर खोज की। नंबर 1, लॉस एंजलिस सबवे। अमेरिका के बेहद फेमस शहर लॉस एंजलिस की सबवे ट्रेन्स के एक स्टेशन ला ब्रिया के पास की एक जगह पर कभी प्री हिस्टोरिक एनिमल्स रहा करते थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत से पुराने जानवरों के अवशेष मिले हैं, जैसे सेबर टूथ कैट्स, जायंट स्लॉथ्स और सबसे यानी मैमथ का पूरा ढांचा यहाँ ढूंढा गया है। इस खोज की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुछ लोगों का मानना था कि एले शहर की जगह पहले समुद्र हुआ करता था, पर इन एनिमल्स के रिमेन्स मिलने से ये साफ हो गया कि यहाँ पर समुद्र नहीं हुआ करते थे। यहाँ पर सबसे जबरदस्त जो फॉसिल मिला है वो है डायर वोल्फ का फॉसिल। यहाँ पर एक ही जगह पर इतने बड़े बड़े जानवरों की हड्डियां मिलने से आर्कियोलॉजिस्ट ये अंदाजा लगा रहे हैं कि इस जगह पर पहले कोई दलदल था जहाँ ये जानवर फंस गए होंगे। दोस्तों, आपने हमारी पूरी वीडियो देखी, इसीलिए बोनस में एक और फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो है ट्राइसेराटॉप। कैलिफोर्निया का एक कॉलेज स्टूडेंट हैरिसन ड्यूरेन अपने प्रोफेसर की हेल्प करने के लिए कैलिफोर्निया में उनकी खुदाई में मदद कर रहा था। तभी उन्हें एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा मिला, पर वो लकड़ी का टुकड़ा नहीं था। पास से देखने पर पता चला कि ये बहुत पुरानी बेहद बड़े डायनासोर ट्राइसेराटॉप की खोपड़ी है। इसे कैलिफोर्निया की बैडलैंड्स नाम की जगह में ढूंढा गया है। यहाँ बहुत से डायनासोर्स के स्कल्स ऑलरेडी ढूंढे जा चुके थे ट्राइसेराटॉप्स की खोपड़ी पर। अब साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी खोजें जिनके बारे में जानकर हमें अपने इतिहास के बारे में और भी बातें पता चली। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।